हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC की तरफ से, स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, SSC यानी कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के तहत ये भर्ती होगी और ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट। दो तरह की इसमें वैकेंसी देख रहे होंगे आप, ग्रेड सी और ग्रेड डी, लेकिन दोनों ही ग्रुप सी की भर्ती है। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आगे बताऊंगी इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी, लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, इसका सिलेबस जानना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, इस बार जो भर्ती आई है उसके लिए टोटल पोस्ट आपका 2006 यानी 2006 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी रहेगी। इसके लिए अप्लाई डेट की अगर बात करूँ ना, तो 27th ऑफ जुलाई से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट 18th अगस्त यानी 18 अगस्त तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए ताकि बाद में सर्वर इशू आपको फेस ना करना पड़े। देखिए, इसके लिए फॉर्म फी जो होती है ना, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज यानी 100 रुपया लिया जाता है। वहीं पर SC ST और फीमेल यानी महिला कैंडिडेट सभी कैटेगरी की, उनका फी एग्जेम्प्टेड होता है, उनसे कोई फी नहीं लिया जाता है। तो आगे इससे रिलेटेड बाकी की बेसिक डिटेल बताऊंगी, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट की। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन CBT कब होगा ये भी ना SSC ने बता दिया है, कैलेंडर में भी बताया है और नोटिफिकेशन में भी। इसका एग्जाम आपको अक्टूबर नवंबर 2024 में हो जाएगा। तो समय ज़्यादा बाकी नहीं है, एग्जाम की तैयारी अभी जोरों शोरों से करिए। अभी आपको पता है कि अगस्त आने वाला है, फिर सितंबर अक्टूबर, बस 2 से 2.5 महीना आपके पास समय है। तो तैयारी अच्छी रहेगी तभी तो उस टाइम एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आई होप कि आप मेरे कंसर्न को समझ रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं बता दूँ कि एज की लिमिट क्या होगी। एज का जो लिमिट है एज ऑन 1st of August 2024 आपका कैलकुलेशन होगा। और बात करें कि यहाँ पर ग्रेड सी और डी दो तरह का पोस्ट है, तो एज लिमिट भी दो तरह का है। मिनिमम एज तो दोनों ही पोस्ट के लिए 18 वर्ष है। मैक्सिमम एज की बात करें यानी अधिकतम उम्र सीमा, ग्रेड डी के लिए 27 वर्ष है और ग्रेड सी के लिए 30 वर्ष है। अब इसमें मिलता है रिलैक्सेशन, OBC को 3 वर्ष यानी 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का। आई होप कि एज का क्राइटेरिया आप अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से दोनों ही पोस्ट के लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी तो बाकी सारी डिटेल्स तो बेकार हो गई ना। देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 12th पास, यानी कि जिन्होंने भी 12वीं इंटर पास कर लिया है। डजंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम इन इंटर, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल हैं और परसेंटेज की भी कोई इशू नहीं है। तो ये तो थी सारी की सारी बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इस पोस्ट के लिए चयनित होना है तो किस किस स्टेज से गुजरना होगा, मतलब कि आपका सिलेक्शन किन किन स्टेज से गुजरने के बाद होगा। ओनली फॉर यहाँ पर आपकी 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसको पास करेंगे। अब जैसा कि पता है कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो स्किल टेस्ट तो होना ही है, स्टेनो का टेस्ट होगा आपका। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एकदम से डिटेल में। फ्रेंड्स देखिए, पहले स्टेज पर ऑनलाइन CBT होता है, तो इसे तो पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी। उसमें रहते हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए और टाइम रहता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का, मतलब 200 प्रश्न है 200 नंबर के लिए, पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेंगे एंड समय अवधि 2 घंटे की होगी। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। सो बी अवेयर, आंसर को सोच समझ के ही टिक करना है, तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उससे क्या होगा कि जो आप सही टिक करके आओगे उसके लिए भी आपका जो मार्क्स है ना रॉन्ग आंसर की वजह से डिडक्ट कर लिया जाएगा।
सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ये एसएससी की तरफ से पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें ना मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका बाकी सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है बट उनका मैथमेटिक्स वीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनरल नॉलेज यानी कि जीके जीएस और करेंट अफेयर से 50 क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, लास्टली इंग्लिश से 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। जी हाँ बिल्कुल आपने सही यहाँ पर नोटिस किया है, मैथ नहीं पूछा जाएगा लेकिन उसके बदले में इंग्लिश से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। अब रही बात की एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं ना उस टाइम आपसे 3 नियर बाय सिटी पूछा जाता है। तो आप जहाँ पे भी रह रहे जरूरी नहीं कि जहाँ आपका घर है परमानेंट एड्रेस है वहीं पे, कहीं भी आप है ना वहाँ का 3 सिटी आप डाल दीजिए नियर बाय की ये इसी लोकेशन पे, उन तीनों में से किसी एक जगह पे ही आपका एग्जाम पड़ता है। तो ये तो थी एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, तो स्टेनो की टेस्ट होती है। देखिए इसमें दो तरह से टेस्ट होता है, तो पहले क्या होता है ना डिक्टेशन होता है स्टेनो का जो शॉर्ट हैंड होता है उसके लिए। देखिए ये डिक्टेशन 10 मिनट का होता है। डिक्टेशन क्या होता है, जैसे कोई आदमी बोलेगा कुछ आपको, मतलब जैसे कि मेरा नाम मनीषा है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मतलब ऐसा सिंपल नहीं, कुछ आपको बोला जाएगा उसको आपको शॉर्ट हैंड में टाइप करना रहेगा और ये टेस्ट 10 मिनट का होता है। रही बात की दोनों ही पोस्ट के लिए क्या स्पीड रहेगा, क्या टाइम है, देखिए दोनों के लिए टाइम सेम है, 10-10 मिनट का होगा। ग्रेड डी के लिए 800 वर्ड का टेस्ट होगा @80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और ग्रेड सी के लिए 1000 यानी 1000 वर्ड @100 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहेगी। तो ये डिक्टेशन है, ये जब आपको बोला गया तो आप शॉर्ट हैंड में लिख दिए, तो वो लैंग्वेज सिर्फ आपको पता है कि शॉर्ट हैंड में आपने क्या लिखा है। अब सेम चीज जो आपने 10 मिनट में शॉर्ट हैंड में लिखा सेम चीज का फिर टाइप करना होता है। तो उसके बाद क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ग्रेड डी के लिए पहले देखिए, ग्रेड डी के लिए इंग्लिश का मिलेगा आपको 50 मिनट टाइम और हिंदी वालों को 65 मिनट टाइम। सेम चीज जो डिक्टेट करके आप शॉर्ट हैंड लिखे उसको टाइप करने के लिए इंग्लिश का 50 मिनट मिलेगा, हिंदी वालों को 65 मिनट। ग्रेड सी के लिए देखिए इंग्लिश वालों को 40 मिनट और हिंदी वालों को 55 मिनट। तो ये था आपका स्किल टेस्ट। इसमें क्वालिफाई करने के बाद कुछ नहीं खास नहीं होगा। देखिए अब आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो जो अपने बारे में जानकारी दिए होंगे उसी की वेरिफिकेशन हो कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आपको सर्व करने का मौका मिलेगा एज अ स्टेनोग्राफर और एसएससी के थ्रू आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। देखिए फ्रेंड्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। ग्रेड सी वाले पोस्ट के लिए आपको 51,000 यानी 51,000 से शुरुआत ही होती है। ग्रेड डी वाले पोस्ट के लिए 36,000 से मतलब 36 से 40,000 शुरुआत में मिलता है। तो आप इमेजिन करके देख लीजिए कि बाद में सैलरी बढ़ के 1,00,000 या उससे प्लस होगा कि नहीं होगा। तो अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी। इसके बारे में तो मैंने आपको सभी जानकारी डिटेल में बता दी है। अब भी कुछ पूछने हो, कुछ डाउट हो आपके मन में तो संकोच नहीं करना है, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करते हुए कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर लेना है। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।